यकीन ही नहीं हुआ कि बनने के बाद ये इतना सुंदर दिखेगा। हमारे गार्डन में तो मानो एक चार चांद सी लग गई है, एक नई खूबसूरत सी ऐड हो गई है। सो हेलो एवरीवन, मैं तृप्ति, वेलकम टू मून क्रिएटिविटी। आज का DIY मेरा गार्डन रिलेटेड है। गार्डन के लिए मैंने कुछ डेकोर पीस बनाया है। तो मेरे पास कुछ कोकोनट सेल पड़े थे, तो इन सब को मिलाकर कुछ हैंगिंग और कुछ प्लांटर्स की तरह इस तरह से मैंने कुछ बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कुछ कोकोनट सेल मेरे पास थे, बहुत दिनों से रखा था, कुछ इसमें बनाऊंगी इसलिए मैंने फेंका नहीं था। एक छुरी लिया है मैंने और इसकी जो ऊपर लगा हुआ था अच्छी तरह से इन सबको निकाल दिया। छुरी की मदद से ज़्यादातर मेरा निकल गया है, पर दो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था इसको मैंने एक सैंड पेपर लेकर अच्छी तरह से घिस दिया, तो ये बिल्कुल प्लेन हो गया और फिनिशिंग आ गया है। फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है कोकोनट सेल को लिया है, और इसके ऊपर मुझे स्किन कलर की ज़रूरत था, तो मैंने रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और वाइट कलर को मिलाकर एक स्किन कलर बना दिया। और पहले से ही मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके फेस बना दिया था, इसके ऊपर अभी अप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पर मैं दो कार्टून कैरेक्टर बना रही हूँ, जैसे कि एक लड़का का और दूसरा एक लड़की का। तो जहाँ पर मैंने लड़का का बनाया है चेहरा, वहाँ पर मैंने एक टोपी बना दिया है, और जहाँ पर लड़की का चेहरा बना है वहाँ पर लंबा लंबा बाल बना दिया है। और इस तरह से दोनों के आँखें नाक, इस तरह से चेहरा को बना दिया है, और बहुत आसानी तरीके से मैंने चेहरा को ड्रॉ किया है। अगर कोई इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखकर आराम से बना सकते हैं। अभी लड़का और लड़की दोनों के लिए ड्रेस की ज़रूरत है, और दूसरा एक सेल को लेकर मैंने वहाँ पर लड़का का जो बना है वहाँ पर येलो कलर से उसका ड्रेस को कलर कर दिया है, और इस तरह से शर्ट को कलर कर दिया है, और एक पॉकेट भी इस तरह से बना दिया है और इसको साइड में रख दिया। अभी दूसरा एक लड़की के लिए बनाना है, वहाँ पर मैंने पैरेट कलर और दूसरा साइड में ग्रे कलर का डबल कलर कॉम्बिनेशन करके बनाया है, और थोड़ा सा डॉट भी बना दिया है। अभी दोनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है, तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस तरह से दोनों को आपस में जॉइंट कर दिया। और इसको ऐसे प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख कर भी गार्डन में सजा सकते हैं। तो बन गया हमारा फर्स्ट DIY, ये है उसका फाइनल लुक। DIY के लिए अगेन एक कोकोनट सेल लिया है, इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया, एक में ऑरेंज कलर और दूसरे में येलो कलर से पेंट कर दिया, और इसको सूखने के लिए रख दिया। अभी एक 3D आउटलाइनर का कोन लिया है, इसमें एक्वा ग्रीन कलर को भरकर इस तरह से मैंने डिजाइन बनाना शुरू किया। अभी ये वाला डिजाइन एक पतला ब्रश, मतलब 0 नंबर ब्रश से भी कर सकते हैं, पर कोन से बनाना बहुत आसान है और फिनिशिंग अच्छा आता है, जल्दी भी बन जाता है। इस तरह से मैंने डिजाइन बना दिया है दोनों में, और ऊपर मैंने प्लेन ही रखा है। अभी मोल्डेड क्ले लिया है, मोल्डेड क्ले हार्डनर और रेजिन को बराबर मात्रा में मिलाकर एक बेलन से बेल दिया है। अभी एक पेपर लिया है, पेपर को चिड़िया के शेप में कट कर दिया और क्ले के ऊपर रख कर उसको भी कट कर दिया, और थोड़ा सा जो मोल्डेड क्ले बचा हुआ था उसे एक घंटी जैसा बनाना है, तो पेंसिल के ऊपर रखकर इस तरह का एक डिजाइन देकर एक घंटी को निकाल कर इसको थोड़ा एक होल भी कर दिया है, और इसको सूखने के लिए रख दिया है, और ये चिड़िया और घंटी को इस तरह से सूखने के लिए रख दिया। अभी सूखने के बाद इसके ऊपर मैंने पर्ल एक्रेलिक कलर से दोनों के ऊपर पेंट कर दिया, और अभी इसको जॉइंट करना है। सुई और धागा लेकर ऊन लिया है, तो इस तरह से चिड़िया के ऊपर मुझे भीतर की एक्चुअली होल करना था, तो ये थोड़ा गलती हो गया है, नहीं तो दोनों होल करना सही रहता।
तो अभी जो भी हो, अभी ये बन गया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मोती लगाकर भीतर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से भी मोती लगा दिया। और इस तरह से कोकोनट सेल में तो एक होल था, इसके ऊपर मैंने ऊन को लगा दिया और हैंग कर दिया। और इस तरह से बन गया हमारा इन दोनों का फाइनल लुक। और यहाँ बनाकर मैंने अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में इसको हैंग कर दिया। तो कैसा लगा हमारा सेकेंड DIY, प्लीज कमेंट करके बताइए। थर्ड DIY के लिए मैंने लिया है कोकोनट सेट। ये थोड़ा सा ब्लैक पड़ गया था क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर मैंने इसके साथ मैच करने वाला एक एक्रिलिक पेंट कर दिया और एक ही कोट किया है, इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अभी कुछ ऊन का धागा लिया है, 10 ऊन का धागा है। सेम हाइट में इसको कट करके इसका एक एंड पार्ट की तरफ से मैंने अच्छी तरह से गांठ लगा दिया और कट कर दिया। और इसका जो ऊपर की साइड है इसको मैंने दो दो भाग में डिवाइड कर दिया धागों को, और दो दो भाग में एक एक गांठ लगा दिया और इसका एक स्टेप बना दिया। और दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इधर का एक और इस साइड का एक, दोनों धागा को लेकर एक गांठ लगा दिया। और इस तरह से मैंने अपना सेकेंड स्टेप भी कर दिया। और उसके बाद और एक स्टेप किया है, थर्ड स्टेप भी सेम ऐसा है, इधर का एक धागा और उधर से एक धागा लेकर इस तरह से एक गांठ लगा दिया और बन गया हमारा थर्ड स्टेप। इस तरह से थर्ड स्टेप को करके एक जैसा कि एक नेट की जैसा बन गया है। और बनाकर सबको इसके ऊपर हमें नारियल का जो सेल है इसको रखना है तो और हैंग करना है। अभी लगा दिया है सारा, बनने के बाद नारियल सेल को भीतर लगा दिया और इसको मैं हमारे बालकनी गार्डन में हैंग कर दिया। और बन गया हमारा थर्ड DIY। और इस तरह से बनाकर, ढेर सारे बनाकर आप अपने गार्डन में इस तरह से सजा सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यही तक है, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।